हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। चलिए आपको मनी हाइस्ट का सीजन 4 याद करवाते हैं। तो जैसा कि सीजन 3 के एंड में दिखाया था कि कॉप्स नैरोबी को स्नाइपर से हिट करते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है सीजन 4। स्नाइपर लगने की वजह से नैरोबी मौत से लड़ रही होती है एंड वहां उसके टीम मेंबर्स इस बात पर लड़ते हैं कि नैरोबी की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसे अंदर ही रखना है या फिर बाहर भेजना है। नैरोबी को पता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसके लिए उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके टीम मेंबर्स इस बात पर अग्री नहीं करते। तभी प्रोफेसर सर्जरी के लिए सप्लाईज पहुंचवा देते हैं और टोक्यो को कहते हैं कि वो सर्जरी करे। टोक्यो को मदद करते हैं पाकिस्तान के एक सर्जन जो कि वीडियो चैट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड फाइनली नैरोबी बच जाती है। लेकिन इन सब में टीम का चार्ज पलेर्मो से टोक्यो के पास चला जाता है, जिसकी वजह से पलेर्मो काफी अपसेट हो जाता है और वो बैंक से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेलसिंकी उसे रोक लेता है और बाकी हॉस्टेजेस के साथ बांध देता है। बैंक के बाहर मार्से प्रोफेसर को पुलिस से बचाने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सियरा राकेल को कैप्चर कर लेती है और प्रोफेसर को एक फोन कॉल के थ्रू ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि राकेल इज नो मोर। इससे प्रोफेसर टूट जाता है, लेकिन जब टोक्यो और प्रोफेसर के बीच फोन पर बात होती है तो प्रोफेसर राकेल की न्यूज टोक्यो से शेयर करता है और तब टोक्यो उसे हिंट देती है कि शायद राकेल अभी भी जिंदा है। इसके बाद प्रोफेसर एक पुलिस ऑफिसर एंटोनियांजास की हेल्प से जानने में कामयाब भी हो जाता है कि राकेल इज अलाइव और उसे बैंक के सामने इंटेरोगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियरा राकेल को कंटिन्यूस इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि वो कभी अपनी डॉटर से मिल नहीं पाएंगी, जिसके बाद वो टूटने लगती है। लेकिन तभी राकेल को एंटोनियांजास के हाथ में प्रोफेसर की वॉच दिखती है, जिससे उसे हिंट मिल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसे यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। टीम के चार्ज से हटा दिए जाने की वजह से पाल्मेरो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और इसी बात का बदला लेने के लिए पाल्मेरो सिक्योरिटी गार्ड गांडिया के साथ मिल जाता है और अपना अंगूठा डिसलोकेट करके हैंडकफ से निकलने का सोल्यूशन देता है। वहां से निकलने के बाद गांडिया गवर्नर ऑफिस की तरफ जाता है और वहां के टूल्स को यूज करके अपना मैसेज पुलिस को देता है, लेकिन उससे पहले वो नैरोबी को पिलो से सफोकेट करके और हेलसिंकी को सीलिंग से लटका के मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अपनी टीम की मदद से बच जाते हैं। वहीं एंटोनियांजास प्रोफेसर को मैसेज देता है कि गांडिया ने कॉप्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और ये मैसेज प्रोफेसर टोक्यो को इमीडिएटली पास कर देता है, लेकिन इससे पहले वो ये इन्फॉर्मेशन किसी और को आगे पास कर पाती गांडिया उसे कैप्चर कर लेता है। प्रोफेसर गांडिया को वार्न करता है कि ऐसा करना उसे काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन गांडिया अब रुकने वाला नहीं है। इसके बाद होती है जबरदस्त गोलियों की बारिश और गांडिया इन सबके बीच में से भागने में कामयाब हो जाता है और डक्ट्स के थ्रू बाथरूम में पहुंचता है, जहां वो नैरोबी को कैप्चर कर लेता है। गांडिया नैरोबी के सर पर गन रखकर बाथरूम के दरवाजे से उसका सर निकाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी नैरोबी की वजह से उस पर गोली नहीं चलाएगा। नैरोबी को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके वो बच के भाग जाता है, मगर जाते जाते वो नैरोबी को पॉइंट ब्लैंक हेड पे शूट कर देता है। उसके बाद डेनवर एक ग्रेनेड फेंक कर गांडिया को भागने से तो रोक लेता है, लेकिन नैरोबी को मरने से नहीं बचा पाता। ये पूरे सीजन का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और इमोशनल सीन था, सिंस नैरोबी सभी की फेवरेट थी। इन सब चीजों के बीच बहुत कोशिश करने के बाद प्रोफेसर पता लगा लेता है कि पैनिक रूम कहाँ है और वो पलेर्मो को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अब राकेल को बाहर निकालने की प्लानिंग में प्रोफेसर को एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया आता है। वो एक लाइव फुटेज रिलीज कर देता है जिसमें इलीगली रियो को टॉर्चर किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स मजबूर हो जाती है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती। अब स्पेनिश के प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का प्रेशर होते हुए पुलिस जानती है कि लाइव वीडियो देखने के बाद पब्लिक पूरी तरह से रॉबर्स की साइड हो चुकी है। इसके बाद आता है प्रोफेसर का नेक्स्ट प्लान, जहां वो एक और लाइव वीडियो में ये दिखाता है कि किस तरह से कॉप्स ने राकेल को मार दिया है विदाउट एनी लीगल एक्शन और अपने फोन में की हुई रिकॉर्डिंग में गोली की आवाज भी सुना देता है, जिसके बाद पब्लिक पुलिस को बॉयकॉट कर देती है और उन्हें ये पब्लिकली साबित करना पड़ता है कि राकेल इज अलाइव। वहीं सियरा इस तरह से केस को आगे बढ़ते हुए देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा ब्लेम पुलिस पर डाल देती हैं और खुद रिजाइन करके निकल जाती हैं, क्योंकि अब वो अपने दम पर अपना रिवेंज लेना चाहती हैं। प्रोफेसर के बेस का पता लगाते हुए वो एंटोनियांजास तक पहुंच जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि इसी के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। वहीं प्रोफेसर अपने मास्टरमाइंड के थ्रू प्लान पेरिस को एक्टिवेट करके राकेल को रेस्क्यू करने का पूरा अरेंजमेंट कर लेता है। जब राकेल को कोर्ट में ले जाया जाता है तो प्रोफेसर उस कोर्ट के पार्किंग लॉट तक जाने वाली एक टनल बनवा देता है। राकेल कोर्ट में जाकर सारे प्रूफ दे देती है और वापस आते
द टाइम प्रोफेसर के आदमी जज और लॉयर्स बनकर पुलिस पर अटैक कर देते हैं। फिर राकेल टनल के थ्रू प्रोफेसर के कम्युनिकेटर से मिलकर हेलीकॉप्टर में चली जाती है। दूसरी तरफ रॉबर्स गांडिया से पुलिस को कॉल करके ये बुलवाते हैं कि उसने टोक्यो और नैरोबी को मार दिया है और अब रॉबर्स उस पर अटैक कर रहे हैं। पुलिस उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने का ऑर्डर देती है, लेकिन रियलिटी में ये वो हेलीकॉप्टर होता है जिसमें राकेल है। वहीं पुलिस को विश्वास दिलवाने के लिए डेनवर गांडिया बनके ब्लैक सूट में बाहर आता है और एंड में राकेल बैंक ऑफ स्पेन में एंटर कर जाती है और सभी रॉबर्स साथ में चीयर करते हैं फॉर नैरोबी। उधर प्रोफेसर इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहा होता है तभी सियरा उसके सामने गन लेकर उसके बेस पर पहुंच जाती है और टिपिकल मनी हाइस्ट स्टाइल में एपिसोड एंड हो जाता है। वी हैव नो आइडिया कि आगे क्या होगा, सियरा क्या करेगी और प्रोफेसर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन सीजन 5 के प्रीव्यू में दिखाया है कि प्रोफेसर चेन से बंधा हुआ है और वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है दिस मे बी द लास्ट टाइम दे विल हियर फ्रॉम हिम। तो गाइज आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू और अगर आप किसी और शो का भी रिकैप मुझसे जानना चाहेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू गाइज, टिल देन टेक केयर।